भी वनडे एग्जाम है ना वो कवर अप हो जाएंगे उसमें, बाकी पढ़ना तो कॉपी से ही है, वो तो रेफरेंस के लिए है कि हाँ इतना मुझे कवर अप करना है। और मैथ्स भी उसमें शायद 3 बुक होगी मैथ्स की, देखना है ना मैथ्स की, वैसे सबकी उन्होंने ना बहुत अच्छे से बनवाई हुई इंग्लिश मैथ्स। चलो ठीक है, कल पढ़ रहे थे कैलेंडर, हमें तो लगा सौम्या आई ही नहीं, किशन बोलता है सौम्या आई नहीं, मैंने कहा वो इतनी पतली दुबली है तुमको दिखी नहीं होगी। नहीं कह रहे मैं कॉल किया था मैडम उसको, मैं बोली फ़ोन ही नहीं है। तो सौम्या तुम फ़ोन क्यों नहीं रखती, इसके पीछे क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है बताओ ज़रा। आ रही हूँ बाजू से ये, और मुझे अमेजिंग इसलिए लगता है कि मैं नहीं फोन, यही मेरा घर, ये पुलिस स्टेशन है ना आईसीसी वाला, यही क्या बोलते हैं इसे, तारबहार चौक कहते हैं, वहाँ पीछे कॉलोनी है उसी के जस्ट पीछे, मतलब एक तो हाँ एक तो वो निकल जाता है जो रेलवे स्टेशन है, और एक इधर है जो कॉलोनीज है, वहाँ कॉलोनीज बनी हुई है, जाते रहते हो। ठीक है, नहीं फोन ठीक है, अगर तुमको लगता है कि फोन के बिना लाइफ चल रही है तो वो एक आजकल छोटे छोटे बच्चे डिमांड करते हैं, 5th के 6th के बच्चे, हमें भी हमारा खुद का फोन चाहिए। चलो ठीक है, तो कल हम लोग ने जो पढ़ा था बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट था, है ना, इंटरेस्टिंग था कि नहीं पहले बताओ। लॉजिक थोड़ा था, लेकिन हमें ये पता चल गया कि 400 ईयर लीप ईयर होता है, बाकी के जितने भी सेंचुरी ईयर होते हैं वो लीप ईयर नहीं होते, वही लीप ईयर होगा जो 400 की टेबल में आएगा, नहीं तो लीप ईयर होगा ही नहीं। ठीक है चलिए, आज हम लोग इससे आगे पढ़ते हैं। तो कल मैंने आपको एक बात बताई थी, एक एक्स्ट्रा डे होता है, या उसे हिंदी में कहते हैं अतिरिक्त दिन, है ना, आप उसे ऑड डे भी बोल सकते हो, उसे हम ऑड डे भी कहते हैं, एक और वर्ड है उसके लिए ऑड डे, है ना। जैसे ऑड डे, जैसे मैंने कहा 10 दिन, तो 10 दिन में जैसे 7 से डिवाइड करो कि 3 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, वो ऑड डे। ठीक है, तो हमने कल एक चीज और डिस्कस की थी कि 365 अगर डेज हो तो इसमें कितने वीक होते हैं, 50 वीक, 52 ही होते हैं एक ईयर में, है ना, और एक दिन एक्स्ट्रा होता है, ऑड डे कितना होता है एक, और 366 अगर डेज हो ईयर में, मतलब लीप ईयर हो, तो 52 वीक होंगे और 2 डे ऑड डे होंगे, है ना, 52 मतलब 2 दिन बच ही जाएंगे, वो आप उसको कहीं काउंट नहीं कर पाओगे। क्लियर। अच्छा एक चीज और कर रिवाइज कर लेते हैं कि अगर कोई एक नॉर्मल ईयर है उसके 1 जनवरी मान लो 2003, अगर ये फ्राइडे है तो 31 दिसंबर 2003 क्या होगा, फ्राइडे ही होगा, है ना। ये भी एक हमने बड़ी अच्छी चीज सीखी थी कि सेम डे रिपीट होता है, और यदि यही लीप ईयर होता, जैसे 4 ले लेते हैं, और अगर वो कहता फ्राइडे है तो 31 दिसंबर क्या होता, सैटरडे। तो ये चीज़ आप अच्छे से, मतलब ये से फैक्ट कह लो, जो कहना है कह लो, पर ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट डे और लास्ट डे ऑफ द ईयर सेम होते हैं एक नॉर्मल ईयर में,
और लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है ना, जो भी दिन हो उसका एक दिन एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आप समझ गए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के देती हूँ, ठीक है, बेस्ड ऑन द फैक्ट। आप चाहो तो उसको टाइप वन लिख लो, जो लिखना है लिख लो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि 15 मार्च ले लेते हैं 2006 को मंडे है, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। 15 मार्च 2006 को मंडे है, एज्यूम कर लेते हैं इफ कि यदि 15 मार्च 2006 को मंडे है तो 15 मार्च 2007 को कौन सा डे होगा, कौन सा दिन होगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ रहे हैं, मंडे संडे जो भी 6 दिन है उसमें से कौन सा दिन होगा, ठीक है। क्या लगता है कौन सा दिन होगा, जैसे हमारा बर्थडे है मान लो इस साल वेडनेसडे को आया, जरूर थोड़ी अगले साल भी वेडनेसडे को आएगा, मोस्टली उस साल उस दिन तो आता ही नहीं है। जैसे अभी अब देख रहे हो त्योहार आ रहे हैं ना, त्योहार तो चलो पंचांग के हिसाब से चलते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो डेट के हिसाब से होते हैं। 2 अक्टूबर हो गया, 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, इसका कोई कैलेंडर से कोई लेन देन नहीं, ये उसी दिन फिक्स आएंगे, 25 दिसंबर 25 तारीख को ही आएगा। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हर बार वो संडे को ही आए, कोइंसिडेंट हो सकता है, लेकिन एक लगातार 2 साल में संडे को आए ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इवन पंचांग भी जब हम पढ़ते हैं वो भी कुछ वैसे, उसमें भी कभी नहीं होता है ना, उसमें भी हमारे जो फेस्टिवल्स इस बार सब फेस्टिवल्स मंडे को आ रहे हैं, तो संडे और मंडे 2 दिन की छुट्टी, राखी, जन्माष्टमी, ईद, सब में आपको 2 दिन की छुट्टी, मतलब स्कूल्स के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। तो मतलब सेम डे आने की पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती। तो आप देखो, आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि ये जो भी ड्यूरेशन दी है क्या इसमें कहीं पर भी 29 फरवरी आ रही है क्या। ऑब्वियसली ना तो 2006 लीप ईयर है ना तो 2007 लीप ईयर है, इस महीने इस साल तो आएगी ही नहीं 29 फरवरी, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 15 मार्च से, लेकिन इस साल काउंटिंग में फरवरी आएगा, लेकिन वो एक साधारण वर्ष होगा, क्लियर है। तो 29 फरवरी आने से रही, तो हमने क्या पढ़ा था कि यदि एक नॉर्मल दिन होगा तो आपका जो ऑड डे हो वो कितना होता है, +1। तो यदि उस दिन मंडे था तो मंडे से एक दिन आगे जाओगे तो क्या आएगा, ट्यूसडे, क्लियर है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बस ये चेक करो कि भाई 29 फरवरी आ रही है क्या, 29 फरवरी आ रही है मतलब लीप ईयर तो नहीं है कहीं बीच में, और उसमें भी लीप ईयर हो भी सकता है, पर जरूरी नहीं फरवरी आए, हो सकता है मेरे ड्यूरेशन में फरवरी काउंट ही ना हो, ठीक है, क्लियर है। तो याद रखना कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो अगले साल उससे एक दिन एक्स्ट्रा आता है नॉर्मल ईयर में। जैसे मान लो मेरा बर्थडे इस साल वेडनेसडे को आया तो अगले साल थर्सडे को आएगा, उसके अगले साल फ्राइडे को आएगा, सैटरडे को आएगा, एक एक दिन आगे, कोई कैसा कोइंसिडेंस होगा जिस दिन अगेन वो फिर से उसी डे पे आए, वो भी जरूरी नहीं है, वो भी क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है लीप ईयर पड़ जाए तो वो भी ना आए, ठीक है। अच्छा, अब इसी सेम क्वेश्चन को हम ऐसे देखते हैं, ठीक है, 15 फरवरी, ध्यान देना फरवरी मैंने इंक्लूड किया है, 2006 को यदि संडे है तो 15 फरवरी 2007 को कौन सा डे होगा, कौन सा डे होगा, सोच के देखो, पीछे नहीं आगे ही जाते हैं हम, मंडे होगा। 29 फरवरी लिखने से भी क्या, 29 फरवरी थोड़ी आ रही है, अगर 29 फरवरी नहीं आ रही है तो ट्रीटमेंट किसकी तरह होगा, एक नॉर्मल ईयर की तरह। तो एक दिन आगे बढ़ना है, तो संडे है तो संडे के बाद कौन सा दिन आएगा, मंडे, क्लियर है। सिर्फ फरवरी आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दिन बढ़ा दो, आपको ये भी तो चेक करना है कि क्या वो एक्स्ट्रा दिन जुड़ा है, अगर जुड़ा है तो ही आप उसको कंसिडर करोगे। क्लियर है, क्या आप लोग समझ रहे हो मतलब जो सिचुएशन है वो क्या कहना चाह रही हूं मैं। तो अब एक सिचुएशन ले लेते हैं जिसमें सच में 29 फरवरी आ ही गया, ठीक है, सेम ले लेते हैं 15 जनवरी ले लेते हैं, ठीक है, 15 जनवरी 2004 और 15 जनवरी
2005. यदि इस दिन वेडनेसडे हो तो इस दिन क्या होगा? टू थाउजेंड फोर एक लीप ईयर है, और उससे बड़ी बात यह है कि 15 जनवरी जब आप काउंटिंग शुरू करोगे, जनवरी के बाद फरवरी आएगा, ध्यान देना, मार्च में सिखाऊंगी, मार्च में काउंटिंग नहीं होगी, लेकिन जनवरी जब आप शुरू करोगे तो 29 फरवरी आएगा ना, इसलिए लीप ईयर छोड़ो, 29 फरवरी को देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस काउंटिंग में, इस वाले साल में या इस वाले साल में, है ना, एक बार तो लीप ईयर आपके इस ड्यूरेशन में आएगा, मतलब 366 डेज बनेंगे, और 366 डेज में दो दिन हमेशा ज्यादा करना पड़ता है, तो वेनेसडे के बाद दो दिन एक्स्ट्रा करोगे तो फ्राइडे. क्या ये भी चीज समझ गए ना? है ना, सबसे इजिएस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है ये. इसे मैंने कहा इसको टाइप वन में रखना, ठीक है, बहुत सारे टाइप करेंगे तो टाइप वन. अच्छा, अब ये क्वेश्चन को मैं कुछ इस तरह से आपको देती हूं, ठीक है. 5 अप्रैल 2004 को यदि फ्राइडे है तो 5 अप्रैल 2005 को क्या होगा? सोचो, पहले तो चेक करो लीप ईयर है या नहीं. अगर है तो 29 फरवरी आ रही है कि नहीं, क्योंकि 29 फरवरी नहीं है तो वो हमारे लीप ईयर को कोई मतलब ही नहीं है, है ना. कहाँ आ रही है? देखो, नहीं आ रही. हाँ हाँ, क्या आएगा? पीछे नहीं जाना है बेटा, आगे जाना है. काउंट व्हील हमेशा आगे बढ़ता है ना, हम थोड़ी कहेंगे मैडम कल का मतलब. हाँ, तुम कल वाले कल की बात कर रही हो जो चला गया, हमें आने वाले कल के बारे में सोचना है. वो तो चला ही गया, कहाँ से लाओगे उसको. हाँ, उल्टा क्वेश्चन होता तो अलग बात है कि आपको ये वाली डेट दी होती और ये वाली. हाँ, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना. इधर सैटरडे लिख दिया और बोला ये वाली डेट बताओ, तो एक बैक डेट पीछे चले जाना, समझ रहे हो? मतलब कह दिया कि 5 अप्रैल 2005 को शनिवार है, बताइए कि एक साल पहले ये दिन में क्या पढ़ा था, तो एक दिन पहले, है ना. मतलब तो वही है. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ 29 फरवरी आई थी और यहाँ 29 फरवरी लीप ईयर होने से कोई मतलब नहीं, 29 फरवरी भी उसमें बीच में आनी चाहिए. तो ये सबसे इजिएस्ट फॉर्म आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, जहां पर हमने सिर्फ सेम डेट को क्या किया. ये किस तरह का क्वेश्चन है? सेम डेट और सेम एक ही ईयर का गैप था. कितने ईयर का गैप है? एक ईयर का. क्लियर है? ठीक है, अब मैं आपको ना एक क्वेश्चन और देती हूं, ठीक है. जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1 जनवरी 2005, ठीक है, 2005, ठीक है, आप सब में यही लिख लेना भाई, इफ या हिंदी में यदि. 1 जनवरी 2005 को यदि मंडे है, सोमवार है, ठीक है, और आपको मैंने पूछ लिया कि यही 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा. क्लियर है? क्वेश्चन समझ गए ना? पहले एक ही साल का देख रहे थे तो दिक्कत नहीं थी, अब साल जो है वो ज्यादा हो गए. एक साल में तो 29 फरवरी आएगा, यहां तो ज्यादा 29 फरवरी आ सकते हैं ना. अच्छा, एक चीज हमको समझनी है कि यदि एक ईयर जो है वो नॉर्मल ईयर है, यदि एक ईयर नॉर्मल ईयर है तो हम कितना दिन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे? एक. और अगर लीप ईयर होगा तो, ठीक है, या एक दूसरा तरीका भी है. सबसे पहले तो आप देखो कि कहां से कहां तक तय करना है, यहां से यहां तक. तो 2013 में से आप 2005 माइनस कर दीजिए तो आपको पता चल जाए कि कितने ईयर्स का गैप है. कितने ईयर्स का गैप है? 8. तो इसका मतलब इन देखो एक चीज समझना, इन सभी साल में एक एक दिन तो एक्स्ट्रा है ही, लीप ईयर में इन सालों से भी एक दिन और एक्स्ट्रा है ना. मतलब आप ये इसको दो तरीके थोड़ा सा समझोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए. पहले तो हम ये चेक करते हैं लीप ईयर कौन कौन से हैं इसके बीच में. देखो 2005 लीप ईयर नहीं है, जो भी चार के टेबल में आता है वही लीप ईयर है, ठीक है. तो 2005 के बाद, 2004 के बाद सीधा 2008 जो है ना वो इकलौता लीप ईयर है कि नहीं, और 2008 के बाद 2012.
या तो आप ऐसे लिखो, मतलब मैं आपको लिखने का तरीका, ऐसे लिखना नहीं, पर देखिए मैं कहूँ कि दो लीप ईयर हैं और टोटल कितने साल थे, 6 साल, और 6 नॉन लीप ईयर हैं, यहाँ तक क्लियर है। और मैं कहूँ कि इन सभी 2 सालों में 2 दिन एक्स्ट्रा हैं, और इसमें कितने दिन एक्स्ट्रा हैं, 1 दिन, ऐसे ही तो लिखेंगे ना भाई। लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 2 दिन, और नॉन लीप ईयर में 1 दिन। और फिर आप एक कैलकुलेशन करके कहोगे इधर 4 आ गया, इधर 6 आ गया, मतलब टोटल 10 दिन एक्स्ट्रा है। या इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास, आप लिखो ये 8 साल कितने थे टोटल गैप, लीप ईयर कितने हैं आपके पास, 2 जोड़ दो, बस सेम आंसर आ जाएगा भाई। एक एक दिन तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा जोड़ लिया ना हमने, 8 दिन बोल के, एक एक दिन और जोड़ लेंगे लीप ईयर के नाम पर, तो टोटल कितना आंसर आया, या तो वैसे या तो ऐसे, तो टोटल कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए, 10। अब हमें पता है कि हमें निकालना है ऑड डे, ऑड डे या एक्स्ट्रा दिन या अतिरिक्त दिवस जो लिखना है, या विषम, विषम भी कहते हैं इसे, ठीक है, विषम दिवस या विषम दिन, ठीक है, विषम मतलब जो एक्स्ट्रा, जो कैंसिल नहीं हो रहा। तो आप देखो 10 में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, 3 दिन, तो इसका मतलब जो भी आपका डे है इसमें 3 दिन आगे चले जाओ, तो 3 दिन आगे जाओगे तो क्या होगा, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, तो ये दिन जो है वो आपका आना चाहिए, यार इसमें कलर चेंज, थर्सडे, क्लियर है, कुछ भी मुश्किल नहीं था। पहले गैप निकाला, और गैप निकालने के बाद हमने क्या किया कि भाई देखा कितने दिन लीप ईयर है, उसको जोड़ दो, एक ही बात है ना, यहाँ पर आप अलग अलग करके जोड़ रहे हो, यहाँ ऑलरेडी सबके नाम पे, ऐसे सोचो कि 2 लोग ऐसे जिन्हें 2 लड्डू एक्स्ट्रा चाहिए, पहले सबको एक एक बांट दिया, फिर 2 लोगों को, या तो फिर नहीं पहले 2 लोगों के लिए 4 अलग करो, फिर 6 अलग करो, वैसा नहीं, क्लियर है। कल सिखाया था ना जो भी एक्स्ट्रा दिन होता है वो कैसे पता चलता है, भूल गए तुम इतने जल्दी, भूल गए सौम्या, अच्छा कोई बात नहीं, मैं एक बार और बता देती हूँ, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि आज जो है 1 तारीख है, ठीक है, सितंबर की, और इस दिन जो है संडे है, और मैं आपसे बोलूँ कि आज से 10 दिन बाद क्या दिन पड़ेगा, है ना, तो आज से 10 दिन बाद तो मुझे तो पता नहीं चल रहा है क्या है आज से 10वां दिन, तो 7 × 7 = 7 कितना बचा, 3 दिन। तो आप सोचो कि जो संडे को शुरू हुआ था वीक वो कब खत्म होगा, सैटरडे को, तो 7 दिन तो यहीं लग गए ना मुझे, और उसके बाद 8वां दिन, 9वां दिन और 10वां दिन, फिर से संडे शुरू होगा, फिर मंडे आएगा और फिर ट्यूसडे आएगा, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब जो 10वां दिन है वो क्या हो गया आपका, ट्यूसडे। तो यहाँ पर देखो 7 के बाद 8, 9, 10, संडे, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे तक तो यही खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो इसी को हम एक्स्ट्रा डे बोलते हैं। एक्स्ट्रा डे मतलब कुछ नहीं है, बस जितने दिन सप्ताह के बाद बच गए वो एक्स्ट्रा डे है, और हमेशा 7 से कम होगा, ठीक है। एक छोटी सी चीज और समझ लो एक्स्ट्रा डे के नाम पे, कि आप एक व्हील बना लो, ठीक है, जैसे आपने यहाँ लिखा 0, या अंदर लिख लो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब जब आप नंबर लिखोगे तो यही में इसमें से एक रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है 7 से डिवाइड करने पे। दूसरी चीज ये लिखो कि जब कैलेंडर बने तब 1 जनवरी AD, भाई कभी तो कैलेंडर जब शुरू हुए होंगे तो कोई तो दिन होगा वो, तो 1 जनवरी, ईयर कौन सा चल रहा है, 1, अभी हम कौन से ईयर में, 2024, मतलब 2024 साल पहले जब भी शुरू हुए, तो उस समय पहला दिन जो था ना वो मंडे था, ये आपको पता होना चाहिए, इससे हम कोई भी डेट निकालते हैं, ठीक है। वैसे बड़े सारे ट्रिक्स हैं लेकिन मेरे को वो ट्रिक वगैरह ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, यही ठीक लगता है, ठीक है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। जैसे आपको कोई बोले कि थर्सडे से 3 दिन एक्स्ट्रा, तो 1, 2, 3, ठीक है, क्लियर है, लिख लिया, ठीक है।
अच्छा चलो एक एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं जो हम अभी बना रहे थे उसी पैटर्न में। ठीक है, व्हील बना लिया सबने, इसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी हमको, पर किसी को अगर काउंटिंग में दिक्कत होती है तो वो लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसमें अगर जैसे कहे दो दिन पीछे सैटरडे से, तो एक दो, दो दिन आगे तो एक दो, ऐसे गिन लो। पर ये 01 की जो सेटिंग है ना, ये ऐसे ही रहेगी, 0 मीन्स मंडे, ये बाद में यूज करेंगे। चलिए एक एक डेट और बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, बताइए कि अगर इस दिन ट्यूसडे है तो यहां पर क्या दिन आएगा? फ्राइडे आ रहा है, चलो ठीक है, बाकी कभी चेक कर लेते हैं कौन सा डे आ रहा है। लीप ईयर कौन से होते हैं जो सिर्फ चार से डिवाइड होते हैं? तो कौन से नंबर जो चार के टेबल में आएंगे 2005 के बाद, और बाकी के हर चार, हर चौथा साल लीप ईयर होता है कि नहीं? हर चौथा साल लीप ईयर होता है। 8, 12, 16, 20 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि हम 31 मई 1 जनवरी कहती तो 20 को इंक्लूड नहीं करते, ध्यान देना। मई 1 जनवरी कहती तो उसमें 29 फरवरी नहीं आता, तो लीप ईयर नहीं होता, ये पता है ना, इसीलिए। तो संडे आ रहा है, चलो सबका अलग अलग डे आ रहा है, पहले डिफरेंस देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस कितना है। 2020 और 2005 में 15 साल है, और हमें ये पता चला कि एक 2008 लीप ईयर है, 2012 है, 2016 है और 2020 है, और 19 फरवरी आ रही है तो 2020 कंसिडर होगा। तो कितने जोड़ना पड़ेगा इसमें? चार और जोड़ना पड़ेगा भाई इस लीप ईयर के लिए, एक दिन और एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, संडे आ रहा है, ठीक है। तो आप 19 को डिवाइड कीजिए 7 से, कितनी बार में डिवाइड होगा? 7 × 2 = 14, कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए? 5। तो देखिए ट्यूसडे से 5 दिन एक्स्ट्रा, ट्यूसडे कहाँ पर है? ये 1, 2, 3, 4, 5, मतलब क्या आना चाहिए था? संडे सही है। तुम्हारा कैसे गलत आ रहा है? तुम्हें पीछे चले गए थे क्या? एक दिन पीछे, नहीं नहीं 5 दिन, तुम्हें एक कोई नंबर है जो लीप ईयर में नहीं लिया होगा। ठीक है, क्लियर है? तो जो ऑड डे है, सिर्फ ऑड डे का मतलब है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ 2 लिखो 3 लिखो, ठीक है। तो ऑड डे जो है प्लस 5 थे, तो प्लस 5 का मतलब कितना आएगा? संडे। एक और इंपॉर्टेंट में फैक्ट बताती हूँ, ठीक है। देखो आप मुझे कहो कि ट्यूसडे से 5 दिन आगे, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन मैं आपसे कहूं कि ट्यूसडे से 2 दिन पीछे तो क्या होंगे? 1, 2, वही दिन आएगा। आइदर आप, क्योंकि सर्कल तो सेम है ना, दोनों का टोटल क्या आना चाहिए? 7। तो आप अगर वही चीज यहां इंप्लीमेंट करो कि या तो आप प्लस 5 कर दो, नहीं तो आप -2 करोगे तो भी सही आंसर आएगा, क्योंकि 5 और 2 मिला के कितना हुआ? 7। मतलब हम कोई चीज पढ़ रहे, राउंड ले रहे, या तो ऐसे जाओ या तो ऐसे जाओ। तो संडे से 2 दिन पहले कौन सा, सॉरी ट्यूसडे से 2 दिन पहले, ट्यूसडे से पहले सोमवार, संडे, क्लियर है? आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब -2 भी करोगे तो भी चलेगा और +5 करोगे तो भी चलेगा। कई बार 4-5 दिन आगे जाना मुश्किल लगता है, तो 2 दिन पीछे करके देख लो, दिन तो वही आएंगे, 7 ही दिन है, वही रिपीट होते हैं, नया तो कुछ आता नहीं है, क्लियर है? तो ये भी एक चीज है, लेकिन टोटल 7 होना चाहिए। जैसे मुझे कोई कहे 6 दिन आगे, तो मैं 1 दिन पीछे करके देख लूंगी, क्लियर है?
लेकिन टोटल शुड बी 7. अब मैं आपको एक रिवर्स क्वेश्चन कराती हूँ. रिवर्स क्वेश्चन मतलब बैक डेट का क्वेश्चन. ठीक है, ये कौन सी डेट का हो गया, आगे वाली डेट का. अब हम करते हैं बैक डेट. बैक डेट का मतलब सबको पता होगा ना, मतलब आज का दिन दिया है और पिछला कोई दिन निकालने बोल रहा है ना. तो भाई आज का दिन निकालने के लिए आगे के दिन में प्लस कर रहे थे, अब क्या करना पड़ेगा, माइनस. पीछे जैसे सौम्या कर रही थी, एक दिन पहले जा रही थी, है ना सौम्या, तो वैसे ही आपको भी करना पड़ेगा. अरे क्या बोलते मेघा, तो मंडे को जो है आप सुबह आओगे, तो उस दिन आपका कॉलेज है कि चलो देखते हैं. ये सुबह आएगी? हाँ नहीं, वो भी आ जाएगा सुबह, है ना. तुम्हारे कितने बजे कॉलेज रहते हैं? अच्छा, सबका अलग अलग है. साढ़े छः. हाँ, ये एक प्रॉब्लम जीजू वाले बहुत बच्चों के साथ, ये प्रॉब्लम बहुत जाता है. अच्छा, चलो बैक डेट की क्वेश्चन बनाते. लिखिए, यदि 1 जनवरी 1910 को शुक्रवार माना जाए, को शुक्रवार माना जाए, ठीक है, ये क्वेश्चन है. तो 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन होगा. क्लियर है, क्वेश्चन बैक डेट का है, कुछ फर्क नहीं है, निकालना हमको उसी में है. आपको बस क्या ढूंढना है कि 1901 से लेकर के, पहले तो बताओ कि 1910 से 1901 में कितने साल हुए. 9 साल हुए. ठीक है, ठीक है, पर देखना ये पड़ेगा कि लीप ईयर कितने हैं. निकालो 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 निकालो, बताओ आंसर बताओ. हाँ हाँ, साल तो वही है ना, साल थोड़ी चेंज होगा, चाहे उल्टे से गिनती करो चाहे सीधे से गिनती करो. 1901 तो लीप ईयर नहीं है, 1902 भी नहीं होगा, 1903 भी नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड होता है, चेक करने के लिए आखिर के 2 ही नंबर चेक करने पड़ते हैं. तो 1904 जो होगा ना वो एक लीप ईयर होगा, और दूसरा लीप ईयर कौन सा होगा, 1908. और कोई लीप ईयर नहीं बन सकता इसमें, है ना, 1904 और 1908, ये 2 ही लीप ईयर हैं. और बाकी जो बच गए कितने ईयर बचे, 7. पर हमने कहा कि हम उस टेक्निक से नहीं बनाना चाहते, हम कौन सा तरीका अपनाना चाहेंगे, अलग अलग काउंटिंग नहीं करें कि इसके 2-2 दिन गिनो, इसके 1-1 दिन गिनो. हमने सिंपल ये लगाया कि हम भी पहले अपना सबसे बड़ा साल लिख लिया, फिर सबसे छोटा साल लिख लिया, इधर कितने साल मिले मुझे, 9, और 2 दिन इसलिए जोड़ने पड़ रहे कि लीप ईयर को 1-1 दिन और नॉर्मल ईयर से ज़्यादा, तो टोटल कितने हो गए, 11. अगर आप 11 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना शेषफल बचेगा, 4 बचेगा. तो अच्छा, अभी बैक डेट का क्वेश्चन है ना, तो 4 दिन पीछे जाना पड़ेगा. पर मैंने आपको अभी इस इंस्टीट्यूट का सारा सामान मैं ही तोड़ कर जाऊंगी, ये मेरे से बहुत गिरता है. ठीक है, -4 करने की जगह मैं +3 भी तो कर सकती हूँ ना. बनाना मुझे 7 है, यही तो डिसाइड किया हमने, बनाना 7 है, तो या तो पीछे चले जाओ या तो आगे चले जाओ. तो -4 की जगह हम +3 कर लेते हैं. तो -4 की जगह अगर +3 करेंगे तो फ्राइडे, क्योंकि देखो पीछे जाना ना थोड़ा ऑकवर्ड होता है, पीछे पीछे सोचना, तो आगे आगे सोचोगे, उल्टा चल के देखना, कभी चल के देखोगे तो थोड़ा अजीब नहीं लगेगा, मतलब इतना फास्ट नहीं चलोगे, पर अच्छा उल्टा चल के देखना है, दौड़ भी सकते हैं. ठीक है, तो हाँ, लेकिन हमको उल्टे की जगह फ्राइडे के बाद क्या आएगा, सैटरडे संडे मंडे, इजी हो गया.
अगर आप व्हील में देखोगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्राइडे, हमारा दिन किधर है, ये हम कह रहे हैं 4 दिन आगे, तो 1 2 3 अरे सॉरी कहीं से, हाँ उल्टा जाना है ना, सॉरी 1 2 3 4 तो कितना आया मंडे, या तो 1 2 3 कहने का मतलब जो अच्छा लगे, अब उल्टा चार जाना है तो उल्टा चार जाओ, ज्यादा बेहतर रहेगा कि बैक डेट के क्वेश्चन में भी आप उसको पॉजिटिव चेंज करके, मतलब बेसिकली आप अपने नंबर को पॉजिटिव चेंज करना चाहते हो, पर आंसर उसके लिए 7 लाना है। अब ठीक है, क्या ये क्वेश्चन कंफर्टेबल लग रहे हैं आपको, नहीं लग रहे, लग रहे हैं, ठीक है चलिए। तुम अकेले एसएससी जीडी में वाला अलग है। नहीं एक्चुअली मेरे को लगता है उनका जो टाइम का जो अलाइनमेंट है ना वो नहीं सही बैठ पाता है। हाँ क्या करते हैं, नहीं एक्चुअली वो थोड़ा सिटी से आउटर में है, रीजन ये भी है, अगर सिटी के अंदर होता तो एक बार टाइम उतना नहीं लगता है जाना और फिर आना। ठीक है चलिए, एक क्वेश्चन ना इसी तरह का है, कैलकुलेशन का ये लिखिए, मैं इसको इसी टाइप में इंक्लूड कर देती हूँ, ठीक है। लिखिए यदि किसी वर्ष में महेश का जन्म, नहीं किसी वर्ष में नहीं लिखिए, किसी वर्ष में काट के या लिख दीजिए, महेश का जन्म 10 जनवरी 1996 को बुधवार के दिन हुआ, 1996 को बुधवार के दिन हुआ। एक काम करो इसको ना टाइप टू कर लो, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ते हैं इसमें, टाइप टू कर लेना, ठीक है पढ़ने में आसानी होगी। लिखिए क्या लिखा है कि महेश का जो जन्म है उसकी डेट दी है, क्या दी है, 10 जनवरी 1996, और डे भी दे दिया है, कह दिया कि भाई वेडनेसडे के दिन ही ये पैदा होना चाहिए, मतलब हो गया ये पैदा वेडनेसडे के दिन, ठीक है। आगे आने वाले वर्षों में किस वर्ष उसकी वर्षगांठ बृहस्पतिवार के दिन आएगी, हाँ गुरुवार, गुरुवार लिख लो, गुरुवार भी कहते हैं ना इसको, बुक में शुद्ध हिंदी लिखा है तो बृहस्पतिवार लिखा है, ठीक है गुरुवार कहते हैं ना, थर्सडे थर्सडे, ठीक है आएगी। आप समझे ये क्या बोलना चाह रहा है कि ऐसे तो हमारा बर्थडे एक दिन आगे बढ़ता है, जैसे मेरा बर्थडे अगर इस साल वेडनेसडे को आया तो अगले साल थर्सडे को आएगा, फिर फ्राइडे को आएगा, लेकिन यदि लीप ईयर हुआ तो, है ना, मान लो कि ये वेडनेसडे को मेरे इस साल बर्थडे आया लेकिन 2025 से यदि लीप ईयर होगा तो थर्सडे को नहीं आएगा, फ्राइडे को आएगा, समझ रहे हो, तो हो सकता है उसका बर्थडे इस चक्कर में थर्सडे को आए ही ना, काफी दिनों बाद आए, क्लियर है। अच्छा तो अब आप यहां पर देखो, लाना मुझे थर्सडे है तो 96, क्वेश्चन ये है कि एक फिक्स डेट है और बताना है कि यही डेट वेडनेसडे को नहीं थर्सडे को कब आएगी, ठीक है। तो आप देखो कि 96 से 97 आपको ये भी बिल्कुल ध्यान रखना है कि बीच में 29 फरवरी तो नहीं पड़ रही, 29 फरवरी आएगी तो 2 दिन गिनेंगे नॉर्मल ईयर में 1 दिन, तो मुझे हम क्या करेंगे 97 98 99 फिर क्या आएगा 2000 आएगा 2001 2002 2003 कोई ऐसे ईयर्स में उसका बर्थडे कहीं तो भी आएगा, 3 4 करते रहेंगे, ठीक है। ऑप्शंस में तो 2001 2002 2003 दिया है और 97 भी दिया, तो 97 तो पहली गलत ऑप्शन है, 97 में हो ही नहीं सकता, 97 में सेम दिन अगले साल कौन सी डेट को पड़ता है, 1 दिन एक्स्ट्रा। पर मुझे ये बताओ कि 90, अच्छा चलो एज्यूम करते हैं, क्यों नहीं होगा मेरे को बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ, 1 दिन एक्स्ट्रा नहीं होगा, 2 दिन एक्स्ट्रा होगा,
क्योंकि 97 तो नॉर्मल ईयर है, बट 96 में 29 फरवरी और उसका बर्थडे भी 10 जनवरी को आया। सोच के देखो, यदि उसका बर्थडे अप्रैल में आता तब आप एक दिन काउंट करते, समझ रहे हो? मतलब आपको बेसिकली लीप ईयर की बात से ज्यादा ये ध्यान रखना है कि भाई 29 फरवरी तो नहीं आ रहा कहीं बीच में, लीप ईयर तो होगा तो उसका मायने तब होगा जब 29 फरवरी आएगा, राइट? तो इसका मतलब यहाँ कितने दिन जोड़ने पड़ेंगे? प्लस टू, क्लियर है? क्योंकि इस वाले साल में तो आया ना लीप ईयर, तो कितना आया फिर यहाँ पर वेडनेसडे के बाद? फ्राइडे। इसलिए इसका बर्थडे नहीं तो इसका तो 97 में आ जाता, और ऑप्शन में 97 है, मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है? ऑप्शन में है, मतलब ऑप्शन में ये तीनों नहीं है, फिर 1, 2, 3 है, तो उसका बर्थडे यहाँ कहीं आएगा, ठीक है? चलिए, तो ऑप्शन को छोड़ देते हैं क्योंकि ऑप्शन हमारे लिए उतना वो नहीं है, हमारा मेन है कि हमको आता भी है इसको सॉल्व करना। तो 98 में फिर प्लस 1 करेंगे, है ना? तो कितना आएगा फिर? सैटरडे। फिर प्लस 1 करेंगे तो संडे। अच्छा, 99 से 10 जनवरी 2000 तक भी आप करोगे तो इस, आप पहले ध्यान से समझो कि 99 का 10 जनवरी और 2000 का 10 जनवरी, इसके बीच में 29 फरवरी नहीं आएगा। 29 फरवरी कब आएगा? 10 जनवरी के बाद। तो वो किस वाले साल में काउंट होगा? 2001 वाले में। तो यहाँ संडे आया, ये मंडे आया, यहाँ प्लस टू करना पड़ेगा तो कितना आएगा? ये फिर वेडनेसडे आया, लेकिन फिर भी इसका बर्थडे नहीं आ रहा, लेकिन अब आएगा उसका बर्थडे। तो 10 जनवरी 2002 में उसका बर्थडे अब थर्सडे को आएगा, और यही इसका आंसर है। क्लियर है? ये अपने तरह का एक क्वेश्चन है कि भाई हमें पता करना हमारा बर्थडे इसी दिन कब आएगा। कोइंसिडेंटली उसका बर्थडे अगले साल ही आना था पर नहीं आया, क्योंकि उसका बर्थडे जो है ना वो लीप ईयर में आया था, तो लीप ईयर के कारण क्या हुआ, 29 फरवरी के कारण उसका बर्थडे अगले साल थर्सडे को नहीं आ पाया। ठीक है सौम्या, समझ गए क्या करना है हमको? सिर्फ ये पता करना है कि भाई सेम दिन कब पड़ेगा, और ये बड़ा इजी कंसेप्ट है, प्लस टू प्लस वन, बस क्या ध्यान देना 29 फरवरी तो नहीं आ रहा। अच्छा, अब इसमें एक और खतरनाक सा क्वेश्चन करते हैं बैक डेट का। आपने भी फ्रंट डेट का क्वेश्चन किया, आगे से इधर आए, ठीक है? देखते हैं, या बैक डेट या पर्टिकुलर डेट लिखिए। रवि किसी वर्ष, आयुष तुम्हारा भी हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम है? हिंदी, ठीक है। रवि किसी वर्ष 20 फरवरी को शनिवार के दिन पैदा हुआ। रवि किसी वर्ष 20 फरवरी को शनिवार के दिन पैदा हुआ। बताइए कि 20 फरवरी 2005 को, पांच रविवार को, उसकी आयु कितनी होगी? बताइए कि 20 फरवरी 2005 रविवार को उसकी आयु कितनी होगी। ये है थोड़ा क्वेश्चन खतरनाक सा। आपने देखा उस, उनको पता ही नहीं वो कब पैदा हुआ। पहली चीज तो ये है, पैदा हुआ वो किसी 20 फरवरी को, ठीक है? उस दिन कौन सा दिन था? सैटरडे। आपको ईयर नहीं पता, ध्यान देना, ये क्वेश्चन इसलिए खास है कि इस क्वेश्चन में साल दिया ही नहीं कि किस साल पैदा हुआ। वो क्या कह रहे हैं कि एक पर्सन है रवि, ये किसी दिन, मतलब किसी एक साल, नहीं पता कौन सा, लेकिन कब पैदा हुआ? 20 जनवरी, राइट? और उस दिन क्या पड़ रहा था? सैटरडे था, नहीं कौन सा है? फरवरी है, ठीक है, 20 फरवरी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसने ये बता तो दिया कि भाई क्या आएगा उस दिन, सैटरडे, लेकिन ये थोड़ी बताया कि कितने, कौन से साल में ये पैदा हुआ। वो होता तो आप तो ऐसे ही आयु निकाल लेते, राइट? अच्छा, एक स्टेटमेंट और दिया फिर उसने, क्या लिखा है उसने कि किसी वर्ष उसका बर्थडे कौन से दिन आता है, या बर्थडे ही कह लो ना, 20 जनवरी 2005 को उसकी आयु कितनी होगी। तो 20 फरवरी, जनवरी भी लिखेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 20 फरवरी 2000 क्या पूछा है आपको? 5। और एक क्लू दिया है उसने, उस दिन क्या पड़ा था? रविवार, संडे।
और उसकी पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो उसका एज है या कितने साल चले गए। क्लियर है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट मुश्किल नहीं है। आपको ये तो पता है ना, कंफर्म हो गया कि 20 फरवरी को संडे ही था 2005। अब पैदा या तो 2004 में हुआ होगा, 3 में, 2 में, 1 में, किसी एक, लेकिन जिस भी साल सैटरडे पड़ रहा है 20 फरवरी को, उसी साल वो पैदा हुआ। क्लियर है? तो हम इसको उल्टा बनाते हैं। जैसे 2005 फरवरी, ध्यान देना, और यहां क्या पड़ा? संडे। अब मुझे बताओ कि 2004 फरवरी को क्या पड़ेगा? सोचना। सैटरडे, बैक डेट जा रहे हैं ना, तो सैटरडे पड़ेगा या फ्राइडे पड़ेगा? फ्राइडे, क्योंकि 2004 एक लीप ईयर है और इन दोनों के बीच में 29 फरवरी, इन दोनों के बीच में 29 फरवरी आया ही आया था ना, तो इसका मतलब 2 दिन पीछे जाना पड़ेगा। तो 2 दिन पीछे जाने का मतलब कौन सा दिन लिखना पड़ेगा? फ्राइडे। क्लियर है ये? अच्छा, अब 4 साल बाद ही आएगा तो टेंशन नहीं है, अब हम पीछे जा सकते हैं, है ना? भाई लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है, ये तो क्लियर है। तो अब 2000 में आएगा। अच्छा, 2003 में एक दिन पीछे कर दो तो कितना आएगा? थर्सडे। उसको कौन सा लाना है? सैटरडे लाना है, ठीक है। 2002 में क्या आएगा? एक दिन और, वेडनेसडे। फिर 2001 में ट्यूसडे। लेकिन 2000 अगेन लीप ईयर है तो 2 दिन पीछे जाओ तो क्या आएगा? संडे। और इसके एक साल पहले मतलब क्या आ गया? सैटरडे, मतलब इसी साल इसका जन्म हुआ था, 1999। मुश्किल नहीं है, मुश्किल सिर्फ आपको ये देखना है कि 29 फरवरी, देखो वैसे भी अगर आप देखोगे तो 2005 में, मतलब आपको क्या लाना है इसमें? सैटरडे लाना है। सैटरडे लाने के लिए अब हम बोल नहीं सकते कितना दिन पीछे जाना है, कोई फिक्स नहीं है, है ना? अगर आप देखोगे तो काउंटिंग क्या प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर काउंटिंग इसलिए नहीं, कहीं 2 दिन का गैप है, कहीं एक एक दिन का होता तो आप तो 6 दिन पीछे चले जाते या 5 दिन पीछे जाके देखते। तो कितने साल का हो गया होगा ये? 6 साल का, 6 साल हुए कि नहीं? 2005 में से 1999 आप हटा दोगे तो टोटल ये इस साल 6 साल का हो गया। तो ये हो गया एक बैक डेट का क्वेश्चन। क्लियर है? बनाया और क्वेश्चन? एक सेकंड, टाइम देख ले, टाइम का तो याद ही नहीं रहता है, पढ़ाते पढ़ाते पता ही नहीं चलता है, 1 घंटा तो कैसे ऐसे ही चला जाता है। आप लोग को पता चलता है? चलो, आप लोग को तो कॉलेज में भी पढ़ाई करनी पड़ती है, यहाँ भी पढ़ना पड़ता है। डिपेंड है कि आप इंटरेस्ट कितना है, आपका भी कितना है और समय कैसा है, उस पर भी डिपेंड कर। हाँ वो भी है। यहाँ क्या है कि हर दिन एक नई चीज सीख रहे हैं तो पता है कि कुछ नया सीखेंगे, कुछ नहीं तो कुछ नया सीख कर जाएंगे, राइट? चलिए अब एक टाइप 3 कर लें क्या? कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले इजी इजी ही करवा रही हूँ, फिर थोड़ा सा मुश्किल में हम लोग घुसेंगे। लिखिए, फिर वही महेश है, ठीक है। लिखिए, महेश का जन्म 19 नवंबर, मैं लिख देती हूँ, 19 नवंबर 1981 को हुआ था। 1981 को हुआ था, ये उसका बर्थ डेट है। बताइए कि किस तारीख को वह, बताइए कि किस तारीख को वह 24 साल, 3 महीने और 15 दिन का हो जाएगा।
चौबीस साल तीन महीने और 15 दिन का हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो बड़ा क्लियर है। हम कभी भी कोई एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर डेट पे पूछा जाता है कि हम कितने साल के हो गए, है ना। पर ये क्वेश्चन क्या है कि ऐसा, अच्छा आप मुझे अंदाजे से बताओ, क्वेश्चन तो बाद में समझेंगे, आप मुझे बताओ कि 24 साल का ये कौन से ईयर में होगा, 2005, 2004, 2006, 2003, 24 साल का कब होगा? सिर्फ डेट छोड़ो, 24 साल बस बताओ। 2004 में, पक्का मान लेते हैं 2004, पांच कर दें। 81 में तो वो पैदा ही हुआ था, तो 2000 तक तो वो 19 साल का हुआ, फिर 20, 2005 हो सकता है, ठीक है हमारे हिसाब से 2005, लेकिन ये भी सही आंसर नहीं है। आप क्या करिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैलकुलेशंस हैं। कैसी कैलकुलेशन है, देखो अभी मैंने क्या लिखा है, ये ईयर है, ये मंथ है, ये डे है, हम इसको शिफ्टिंग करते हैं। कैसी शिफ्टिंग, कौन से ईयर में पैदा हुआ था ये, 1981, मंथ नवंबर, नवंबर को हम क्या बोलेंगे, 11th मंथ है ना, ठीक है, और डे कौन सा था, 19, क्लियर है। हमने हमारा सेम डेटा नंबर में लिखा है क्योंकि कैलकुलेशन करनी है ना भाई, कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऐसे तो होगा नहीं कि कैलकुलेशन करनी ही करनी है हमको। अब एक यहां देखो, 19 और 15, मुझे बताओ, अच्छा यहां तो कैलकुलेशन कर लोगे, ये तो इजी होगी ना आपके लिए, अभी मेरे को आपने बताया कि इसका जो बर्थ डेट है वो 2005 को आना चाहिए था, मतलब एक इंफॉर्मेशन जो है वो तो फिक्स हो गई कि 2005 में आंसर आएगा, लेकिन इससे ज्यादा भी आ सकता है, डिपेंड करते हैं कितने महीने, भाई 12 महीने से अगर ऊपर हो गए तो अगला साल काउंट होगा कि नहीं, ठीक है, लेकिन किस दिन आएगा, एग्जैक्टली दिन पूछा है, ठीक है। अब ध्यान देना, 11 और 3 कितना हो गया, 14, मतलब 14 महीना, इसका मतलब 14 महीने तो हो ही नहीं सकते, पक्का अगले साल में आप जाओगे, 12 महीने और दो महीने और, क्लियर है। अच्छा महीने की भी बात करते हैं, 19 और 15, तो ये तो एक महीने से भी बड़ा हो गया, कितना हुआ, 34 डेज, क्लियर है। मतलब अगर आप, पहला स्टेप आपने क्या किया कि जब आपने उसके ईयर को जोड़ा, ईयर से ईयर को, मंथ से मंथ को और डेज से डेज को, तो आपका डेटा एक्यूरेट नहीं आ रहा, एक्यूरेट भी है तो कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं फिलहाल, क्योंकि देखो महीने के साथ प्रॉब्लम क्या है, 34 डेज का भी हो सकता है, 31 डेज का भी हो सकता है, अगर लीप ईयर है तो 29 डेज का भी हो सकता है, भी महीना तो कोई भी हो सकता है, फरवरी, जनवरी, कुछ भी हो सकता है, हमें थोड़ी पता है कि भी कौन सा मंथ पड़ेगा या कौन से दिन में 15 दिन का हो जाएगा। आप यहां से शुरू कीजिए, यहां से शुरू करके भाई ये हमें कंफर्म है कि साल जो है ना वो तो 12 महीने का ही होता है, तो आपने यहां पर कितने साल थे, एक पूरा साल और दो महीने एक्स्ट्रा, तो आपने जब एक पूरा साल हटाया, मतलब 12 महीने हटाए, तो कितने महीने बचे, दो महीने, ये एक साल हटा के कहां जोड़ दोगे, यहां, तो कितना हो गया, यहां तक क्लियर है, मतलब हमारा आंसर 2005 इसीलिए रॉन्ग है, क्लियर है, 2005 वैसे ठीक है, अंदाजे से ठीक है। अब देखो ये भी एक प्रॉब्लम बची है, अब जब आपको ये चीज पूछी जाए कि भैया 34 का क्या किया जाए, 31 माइनस करें, 28 माइनस करें, हमें तो नहीं पता, तो आप देखो कि इसके जस्ट पहले कौन सा महीना दिखा रहा है, यहां 2, और ये 2006 लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं होता है तो फरवरी, 2 का मतलब क्या हुआ, फरवरी का मंथ हुआ, कितने दिन का होता है, तो यहां से कितना माइनस कर दो, 28, मतलब ये जो पूरा एक मंथ था वो आप कहां दे रहे हो इसको, तो 28 मंथ अगर आप माइनस करोगे तो मतलब फरवरी वाला मंथ, 28 मंथ आपने पिछले महीने के माइनस कर दिए। अच्छा ऐसे सोचो, 34 डेज थे और मुझे उसको फरवरी में डिस्ट्रीब्यूट करना है और मार्च में भी, तो फरवरी अगर 28 दिन की है तो मार्च में कितने दिन जाएंगे, 14 जाएंगे, 14 जाएंगे, पक्का 14 जाएंगे, कितने जाएंगे, सिर्फ 6 दिन, मतलब ये जो 34 जो महीने थे
उसमें से हमें ये पता चला कि ये दो किसको डिटेक्ट कर रहा है, पिछले महीने की फेब्ररी को। आपने बोला कि ठीक है फेब्ररी को मैं जो है ना 28 दिन दे देता हूँ। देखो मान लो ये महीना ही 34 महीने का होता तो आपका आंसर फेब्ररी होता, लेकिन ये जो मंथ है इसमें पूरे 34 डेज नहीं आ पाएंगे। कितने दिन आएंगे? सिर्फ 28 डेज आएंगे। तो जो 6 दिन है वो किस में जाएंगे? अगले महीने में। कौन सा मंथ होगा वो? मार्च का। तो आप क्या करो, यहाँ एक ऐड कर दो, तो कितना दिन हो गया? तो आपका फाइनल आंसर आ गया। आपका फाइनल आंसर है कि उसके ये जो टाइम है वो कम कंप्लीट होगा 6 मार्च 2006। क्लियर है? यहां से इसको गया, ये कितना है इसने डिसाइड किया, और यहां से एक महीना आपने उसको ट्रांसफर कर दिया। ये इसका एग्जैक्ट, क्योंकि ऑप्शन में ही ऐसा दिया हुआ है 6 मार्च 5 मार्च 2006 2005। मैं क्वेश्चन आप लोग को दे रही हूं, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं नंबर लिखा देती हूं ताकि मिस्टेक ना हो। अगर वो क्वेश्चन बना लिए तो ये टॉपिक, मतलब आपका ये वाला टाइप बिल्कुल आपको समझ में आ गया उसका मतलब। ठीक, करें अगला क्वेश्चन? ठीक है, सेम। रमेश का जन्म 25 नवंबर 1989 को हुआ। हुआ था किस तारीख को? वह 15 साल एक महीने और 7 दिन का हो जाएगा। और ये आपका, आपको कैलकुलेट करना है सेम जैसे पहले किया वैसे ही। मैं आंसर नहीं बता रही हूं,